कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गड़ी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बंटवारे की राजनीति करती है। मोदी सरकार को ये पता है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए वो वन नेशन वन इलेक्शन को शिगुफा छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक सेल भारत जोड़ो यात्रा का संदेश फैलाने के लिए देश भर में लगभग 100 कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ आया हूँ। अंदर पानी आ गया था, रूल चेंज करने में थोड़ा समय लगा। तो आप सबसे एक बार पुनः माफी इस बात के लिए कि मैं मीडिया के साथ में इंतजार करवाना कभी मेरा मतलब मेरी सोच नहीं रही है, लेकिन आप लोग इंतजार करना था। भारत जोड़ो सम्मेलन के लिए अल्पसंख्यक विभाग द्वारा जो आयोजित है उसके लिए आज मेरा रायपुर आना हुआ है। अल्पसंख्यक विभाग पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा का संदेशा जमीन तक पहुंचाने के लिए, ग्राउंड तक पहुंचाने के लिए 100 कार्यक्रम कर रहा है, जिसमें भारत जोड़ो सम्मेलन है, भारत जोड़ो मुशायरा है, कवि सम्मेलन है, भारत जोड़ो बुनकर संवाद कर रहे हैं हम, भारत जोड़ो छात्र संवाद कर रहे हैं हम लोग, तो पूरे देश में जा रहे हैं। ये हमारा आज 15वां कार्यक्रम है। मैं अल्पसंख्यक विभाग छत्तीसगढ़ के साथियों ने जो कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें तमाम नेताओं को भी पहुंचना है, हमारे पहुंच ही रहे हैं कार्यक्रम में धीरे धीरे, और एक बड़ी तादाद में पूरे छत्तीसगढ़ से अलग अलग सुदूर अंचलों तक से लोग आए हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार जिस तरह से शानदार काम कर रही है और यहाँ जिस तरह एजेंसियों के दुरुपयोग के जरिए सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, वो बहुत शर्मनाक है। सरकार ने बहुत शानदार काम किया है पिछले तकरीबन 5 साल होने को आ रहे हैं, चुनाव के मुहाने पर खड़ा है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ ही नहीं, 4 राज्य चुनाव के मुहाने पर हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना है। सरकार इतना डरी हुई है कि इसी वजह से बीच में थ्योरी लेकर के आई, वन नेशन वन इलेक्शन का शिगुफा उछाला गया, क्योंकि सरकार जानती है कि इन 4 राज्यों में उसका सुपड़ा, केंद्र सरकार जानती है कि उसका सुपड़ा साफ होने जा रहा है, भाजपा जानती है कि उसका सुपड़ा साफ होने जा रहा है, इसलिए एक नई थ्योरी लाई गई, क्योंकि इन 4 राज्यों में हार के बाद लोकसभा के लिए जो माहौल देश में बनेगा उसमें इंडिया एलायंस की जो स्वीकार्यता पूरे देश में बढ़ रही है उससे सरकार बौखलाई हुई है। इसीलिए आनंद फानंद में जब इंडिया एलायंस की बैठक चल रही थी मुंबई में, तो आपने देखा होगा कि उन्होंने विशेष सत्र जो है वो बुला लिया, उसी समय कॉल किया गया। आज मैंने सुना कि प्रधानमंत्री जी को भी छत्तीसगढ़ आना था, लेकिन हमारे विभाग ने शानदार बारिश में भी कार्यक्रम करने का साहस जुटाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो साहस नहीं जुटा सकी और उनका कार्यक्रम मैंने सुना है कि रद्द कर दिया गया है। आ गए, पहुंच गए, बारिश बंद होने के बाद आए, चलिए स्वागत है उनका, स्वागत है उनका। छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, हमारी प्रभारी कुमारी शैलजा जी ने संगठन को लेकर के जो तारतम्य बिठाए हैं वो बहुत शानदार हैं, और अल्पसंख्यक विभाग राहुल गांधी के संदेशे को लेकर के और जमीन तक जाएगा। और जो राहुल जी का नारा है कि डरो मत, और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, उस संदेशे को और जमीन तक पहुंचाएगा। बाकी आपके प्रश्न आमंत्रित हैं, जो भी आपके सवाल हैं। देखिए, मेरा मानना है कि राहुल गांधी जी से बड़ा शिवभक्त कौन है। पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी ने करके दिखाया, अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि मैंने शिव की तरह उपासना करने का सोचा और तब ये यात्रा शुरू की। बाकी अगर कहीं कोई दक्षिण में कोई किसी क्षेत्रीय पार्टी का नेता अगर कोई बयान दे रहा है तो उससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, वो उनके व्यक्तिगत विचार है। हम सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखते हैं। अगर कोई बयान दे रहा है तो ये उसका व्यक्तिगत मत है। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी उदयनिधि स्टालिन के बयान को आधार बना के कांग्रेस से सवाल पूछेगी तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले तो जीतन राम मांझी जी के बयान पे सफाई देनी पड़ेगी। नरेश अग्रवाल जी उनकी पार्टी का हिस्सा है, उनके संसद में बोले गए बयान पे सफाई देनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर जी को, जीतन राम मांझी जी को चिट्ठी लिख करके स्वागत किया, दोस्त बनाया, अपने गठबंधन का हिस्सा बनाया।
ये देश बहुत विविधताओं भरा देश है, इसमें अलग अलग विचारधारा, अलग अलग समाज, अलग अलग वैचारिक रूप से राजनीति करने वाले लोगों का देश है ये। भाजपा पहले उन पर जवाब दे, उसके बाद हमसे सवाल पूछे। हम तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमारा उस बयान से कोई लेना देना नहीं, हम विचार धर्म संभाव में विश्वास रखें।